मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, शांतिवन में लाई, शांतिवन में लाई, मुझे मेरी मस्ती दादी से मिलाई, मुझे मेरी मस्ती दादी को मिलाई, मेरे दिल में बाबा सदा तू ही तू है, सिवा तेरे अपने कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, साथी बने बाबा सदा साथ रहना, साथी बने बाबा सदा साथ रहना, कभी दिल से बाबा दूर न रहना, दूर न रहना, दूर न रहना, गाते रहेंगे यादों में तेरे, क्या कि मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, शांतिवन में लाई, दादी से मिलाई, बाबा से मिलाई, तो मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मधुबन में बाबा संग खुशियाँ मनाए, मधुबन में बाबा संग खुशियाँ मनाए, दादी जी से आज हम मिलन मनाए, दादी जी से आज हम मिलन मनाए, मिलन मनाए, तो मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, बाबा ने माताओं से दौड़ लगाई, बाबा ने माताओं से दौड़ लगाई, बाबा का बच्चा बन लाल सराई, बाबा का बच्चा बन ट्रस्टी बनाई, नारी ट्रस्टी बनाई, ट्रस्टी बनाई, देवी शक्ति दौड़ी आई, देवी शक्ति दौड़ी आई, दौड़ी दौड़ी आई, तो मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। ओम शांति। बहने सभी बोलो, मीठी बहने, ओम शांति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और प्यार से बोलो ओम शांति। जब मैं गीत सुनती हूँ ना, मुझे बड़ी खुशी होती है। सुना जी दादी? जब गीत सुनती हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है जी दादी। ये इतना छोटा सा भाई कितने दिल से गीत गाता है, ओम व्यास का कितने दिल से गीत गाता है। तो मैं भक्ति में बहुत अच्छे गीत गाती थी, बहुत अच्छे गीत गाती थी, बनाती जाती थी, गाती जाती थी। मेरे बाबा भी पहले साकार में, जब मैं छोटी थी ना, तब बाबा मुझे जानता था, बच्ची अच्छे गीत गाती है, बाबा मेरा सुनता था। पहले सब साधु संतों के आगे भी गीत गाती थी। तो बाबा को मैंने बोला, जब ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद, बाबा मैं अभी गीत नहीं गा सकती हूँ। कहा, बच्ची तेरे अनुभव की गीत और गाएंगे। तो जब ओम व्यासाय गीत गाता है ना, तो मुझे वो दिन याद आता है बाबा का, बच्चे तेरे अनुभव की गीत और गाएंगे।
तो मस्ती लेके आई ना बाबा के पास, मस्ती लेके आई बाबा के पास। अभी वो मस्ती के जो अनुभव है ना, वो मारे गीत गा रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम अभी जो बाप के महिमा में प्यार में गीत गाती थी ना, ऐसी लायक बन जाओ, शांत रहो, सच्चाई और प्रेम के अवतार बन जाओ। समझा मेरी बहने माताएं? सच्चाई और प्रेम के, जैसे हमारी दादी सच्चाई और प्रेम के, इतना प्रैक्टिकली पार्ट प्ले किया है, जिसकी आकर्षण में सब हाजिर हो गए हैं। सारी विश्व भर जितने भी बाबा के बच्चे हैं, दादी की गुण गायन करते हैं। तांग जो संपर्क वाले हैं, सारे फोटोज आप देख रहे हो, जो कोई प्रेसिडेंट मिलाऊंगा, कहां प्राइम मिनिस्टर मिलाऊंगा, कोई भी मिलाऊंगा, दादी को भूलेगा नहीं। वो दादी को नहीं भूल सकते, क्यों? दादी के अंदर हर पर हर सेकंड में, दिल के धड़कन में बाबा है, और कोई है नहीं। ऐसी हमारी दिल तो मेरे से किसने पूछा तुमने शादी की है? मैंने कहा मैंने की है। हस्बैंड का नाम क्या है? दिलाराम। बच्चे कितने? दो। सुख शांति। समझा? दिलाराम मेरा, मेरा वो है, बच्चे है सुख शांति। पहले सुख शांति या पहले शांति सुख? बस दो बच्चे, ज्यादा नहीं चाहिए। तो पहले शांति पैदा हुई या सुख पैदा हुआ, पर मुझे याद नहीं है। दोनों कट्ठे आए, पता नहीं कैसे आए। दिलारा बड़ा अच्छा है। तो मैं किसी को भी बोल रही, चलते चलते बोल रही थी, दिल को सदा ऐसा रखो। अभी के मूल जो मेरी बात ये नहीं आती है, पहले पहले बाबा कहता था, कहो मेरा दिल भर वो है, मेरा रह भर भी वो है। भाई ओम व्यास भाई ये गीत नहीं गाया है तुमने, मेरा दिल भर भी वो ही है, रह भर भी वो ही है, राह दिखाने वाला वो है, जिसका दिल भर है रह भर वो है, उसको क्या परवाह। परवाह रही पहले में, परवाह रही पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की। परवाह है हमको इस दुनिया से पार ब्रह्म तत्व में रहने वाले परमात्मा बाप की। अभी उसको क्या फिक्र, हम कौन है, हम कौन है? बेफिक्र बादशाह। तो पहले पहले बाबा सिखाता था, बची तेरे से कोई पूछे कहां रहती हो, कहां रहती हम? बेगमपुर में। पता है, पता है मैं बेगमपुर में रहती हूं। शरीन बहन यहां है? अच्छा नहीं है अभी। हम कहां रहती है? बेगमपुर में, जहां गम होता ही नहीं है ना। जो गीता में भगवान वहां रहता है, जहां कोई दुख गम का नाम निशान नहीं है। तो शांति वन में रहना, आना, बैठना, माना। तो पहले पहले अभी पता नहीं कैसे कोर्स कराते हैं, मुझे पता नहीं है। हम कोर्स करा करके एड्रेस पता दे देती थी, कभी ये नहीं कि मैं पता नहीं है कहां है। कम से एड्रेस का पता होना चाहिए ना। एड्रेस बोलो या पता बोलो, जब पता नहीं है, पता नहीं है, भटक रहे हो क्या? कभी ये नहीं बोलना पता नहीं है, मेरा पता है, एड्रेस है।
क्या एड्रेस है? शिव बाबा, केराव ब्रह्मा बाबा, पांडव भवन, माउंट अबू, राजस्थान, इंडिया। समझा? मेरी एड्रेस ये है। पता नहीं, कभी नहीं बोलना मेरा कोई दिल्ली नहीं है, पंजाब नहीं है, गुजरात नहीं है, मराठी नहीं है, लंदन नहीं है, अमेरिका नहीं है, कोई नहीं है। पांडव भवन, माउंट अबू। जब मेरी 90 वर्ष की उम्र हुई तो हमारा जो भाई वहां संभालता है सारा, तो आप लोग नहीं जानते, सारी कारोबार उसके हाथ में है, तो उसने कहा अभी तुम्हारा ब्रिटिश पासपोर्ट कराना पड़ेगा, इंडियन पासपोर्ट चेंज कराना पड़ेगा, नहीं तो तुमको आना जाना नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने कहा, उस पेपर तैयार किए थे साइन मेरे कराना था, मैंने कहा मुझे नहीं, मुझे इंडिया ही पासपोर्ट रखना है, आने देवे ना देवे मुझे परवाह नहीं है। इतना समय 34 साल जो मुझे आने जाने की छुट्टी मिल गई है आपे ही, वहां की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकी। मैं तुम्हारे गवर्नमेंट का कोई खाने के लिए नहीं आई हूं, सेवा करने के लिए आई हूं। मैंने वहां का कभी कोट नहीं पहना, बूट नहीं पहना, कोई कपड़ा वहां से नहीं पहना, चप्पल वहां से नहीं पहना। मुझे प्रेम बाबा का घर का है, नशा है क्या समझा है। भले जापान गई, ऑस्ट्रेलिया गई, अमेरिका गई, तो वहां सेवा करने के लिए गई, कोई सेवा ली थोड़ी, किससे किसे पैसा लिया थोड़ी है। दुनिया वाले सब बस पैसा है तो समझे इंसान है, हम बिगर पोस्ट, बिगर कोरी बादशाह है, बिगर कोरी माताएं बहनें थैला जरूर उठाती है, ये मैं तो कभी नहीं उठाया, कुछ नहीं उठाया। एक बारी पुणे में रहती थी तभी तो मैं 3 रुपया रिक्शा भाड़े के लिए लेती थी, पर जब सीढ़ी उतर के कान जा रही थी तो कोई जानते हैं, पुरानी एक माता जी थी, सीढ़ी उतरते मैंने 10 का नोट दिया, मैंने बस पर्स में डाला, तो जहां क्लास कराने गई वहां पर्स में कहा यहां वहां नहीं डालती थी, यहां रख दिया, छोटा सा इतना, उठी तो कोई ले गया, था ही नहीं, 13 रुपया गुम कर दिया। उसके बाद कभी पर्स नहीं उठाया, और जो लेके जाएगा आप ही खर्चा करेगा, मैं क्यों लेके जाऊं, कोई देगा मैं क्या करेंगे। तो ये सफेद कपड़े, जेब खाली, हमें सारे मुल्क के वाली, ओके, सफेद कपड़े, सिर्फ रूमाल रखती हूं, जो हंसा सुबह को आकर के मेरा रूमाल निकाल कर मेरे को दिया, मेरा मुंह पोछा, पर रूमाल भी कभी गुम नहीं करेंगी, जो आंसू बहाता है ना उसको दे देती हूं। फिर कहती कहां गया रूमाल, बहन तू शांत करना, कभी आंसू बहाने वाले को जो दुख का आंसू बहाता है ना अच्छा नहीं है, प्रेम के आंसू या गिरेंगे नहीं गिरेंगे, शिकिल प्रेम वाली अलग है, बाबा के प्यार वाली शिकिल भले अलग है, उसमें कुदरती ताकत है, मुस्कुराना सीखते हैं, कभी मूड खराब नहीं होती है, सब एक है। बाकी कोई आंसू बहाता है मैं कहेंगे सदा के लिए रोना बंद करना हो तो ले लो रुमाल, याद रहेगा मुझे रोना नहीं है, तो मैंने सारे कल्प में नहीं रोया है, अंतिम जन्म में कभी रोया नहीं है, ना ना, जिन सोया तिन खाया खोया, जिन सोया जिन जागा तिन पाया, तो रोना काहे का, रोना नाम किसका। बाबा कहता था जो रोती है वो विधवा है, बाबा साकार में कहता था रोती कौन है विधवा, उसको लगता है मेरा कोई नहीं है। अरे मेरा वो है ना, जो आज बाबा ने क्या बोला, परमात्मा तो सबका है पर ब्रह्मा बाबा तो तेरा है ना। अरे
बाप दादा, ब्रह्मा बाबा, एक ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा ऐसे बैठ गया है। शिव बाबा कहता है मेरा ये रथ है, पर कहता है मैं इसको अपने रथ की खुद संभाल करनी है। वो कहता है किराए पर दिया है, पर मालिक तो वो हो गया है। ब्रह्मा बाबा ने दिया है पर किराए से थोड़ी नारायण बनूंगा, सिर्फ किराया मिलने से थोड़ी नारायण बनूंगा, मुझे नारायण बनने के लिए अपना पुरुषार्थ करना है। वो कहता है याद करो, ये कहते हैं हां मैं तेरे को याद करता हूं। और हमको सिखाता है मनमना भव, पर आज क्या बोला, मनमना भव, फिर क्या मध्याजी भव। इतनी अच्छी अच्छी बातें बाबा सुनाता है, पर क्या करना है, क्या करना है, सदाई अमृत वेला। जो कल सुना हमारे जो पूर्वज है, अमृत वेले सब जगह चक्कर लगाती है। तब मैंने दादी गुरुजा से पूछा ना, तो अमृत वेले सब जगह जगाते हैं। तो जब मैं विदेश में गई तो यहां का अमृत वेला, वहां का अमृत वेला, टाइम तो डिफरेंट है ना। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा बाबा वहां तो अमृत वेला डिफरेंट टाइम है, यहां की अमृत वेला। फिर मैं कैसे बाबा को याद करूं, बाबा ने कहा जहां भी अमृत वेला है वहां तो मेरे साथ हो। तब शांति आई मन को। तो दादियां भी जो बड़े बुद्ध पूर्वज है, सारी दिन रात जागते होंगे, सोते ही नहीं होंगे, क्यों, अमृत वेले जहां था उनको हाजिर है। अभी विश्व भर में चारों तरफ सभी सेवा है, सभी को कभी नहीं कहेंगे अली मानिंग अमृत वेला, ओम शांति अमृत वेला। तो मुझे पता नहीं था, कोई कोई हिंदी शब्द उन्होंने पक्का कर लिया है। एक बारी कोई अच्छे मेहमान आए थे लंदन में, तो अच्छी तरह से सुना, मैंने समझा नहीं वो शब्द, कुछ कैच किया हिंदी। तो फिर अपने देश में बुलाया था, वहां भी अच्छा संगठन इकट्ठा किया, संगठन इकट्ठा किया। तो मेरा परिचय देते कहता है दादी तीन शब्द हिंदी बोलेंगी समझ जाना, उसका बार बार अर्थ नहीं करेंगी ना हम करेंगे। मैंने कहा इसने कौन से तीन शब्द है, कहा एक ओम शांति समझ जाना, आई एम पीस ये नहीं बोलेंगी समझ जाना ओम शांति। फिर समझा, अच्छा अच्छा पर समझा, तीन शब्द है ओम शांति समझा, अच्छा ठीक पूरा हो गया। ओके, और कुछ करना है क्या, न तू न मैं न तेरा न मेरा, न मैं न मेरा, मैं का है अभिमान, मेरा का है ममता मोह। जब तक थोड़ा भी ये दोनों है महान शत्रु है बहने, महान शत्रु है, थोड़ा शत्रु नहीं मानो, थोड़ा भी मैं का अपमान, कोई अपमान करेगा ना असल से, पता नहीं जो हंसा ने वो बताया ना, पल 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 पल, हर पल बाप को अकेला चल, अकेला चल, न जल अंदर जल जेल सी होती थोड़ी, कुछ बात करेंगे कोई हल नहीं है। हल क्या है, क्यों कान में हाथ ऐसे करेंगे, आंखों में करके हाथ, आंखें कैसे करें, मुख कैसे थोड़ी करेंगे मुख के। तो ये एक अंगुली क्या अंतर्मुखी बन, कभी कभी आप एक एक शब्द के गहराई में जाओ, अंतर्मुखी सदा सुखी, बस कुछ आया नहीं, बैर मुक्ता थोड़ा भी आए, कुछ सुना कुछ देखा कुछ बोला, तो न मैं आत्मा हूं न मेरा बाप परमात्मा है।
जो बाबा कहता है आत्मा का ज्ञान किसी ने नहीं दिया। हर एक समझता है आत्मा शरीर छोड़ती है, मनुष्य मरता है तो शरीर को जलाना पड़ता है, रखना नहीं रख नहीं सकते हैं, बांसी हो जाता है सारा, कोई काम का नहीं रहता है। परंतु पता नहीं था आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है। मैं भक्ति बहुत की, सब शास्त्र पढ़े, पर बाबा ने जब आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है तब से समझ जा। मन शांत क्यों नहीं होता, बुद्धि भटकती क्यों है, संस्कारों में कर्म बंधन, विकारी कर्मों का संस्कार बना हुआ है। तो इसलिए बाबा ने हर रोज कहते आत्मा समझ के बाप को याद करो, समझ के याद करो, मन बुद्धि से मन को कहो तू शांत कर। तो अभी सुबह को थोड़ा बताया था, अभी क्लियर करती हूं। दादी का इतना जो ज्ञान योग सिमरण योग्य इतना ऊंचा पाठ रहा है, क्यों पहला पाठ है मां में कमजोर करो। जन्मते ही बाबा का बनते ही मैं नहीं समझिए भूली होंगी, कोई देहधारी की याद आई होगी, नेवर नेवर। उसका बाप जिंदा था जब बाबा की बनी है, मां तो यज्ञ में भी थी, लेकिन वो नहीं समझा ये मेरी बच्ची है, उसने नहीं दिखाया ये मेरा मां बाप है। नहीं, आत्मा बाबा की हो, मन बुद्धि से संस्कारों में आ गया मैं बाबा की हूं, समझा मेरी बहने, कांध नहीं हिलाती है। आत्मा ने मन से मनमना भव, बुद्धि से मध्याजी भव, समझा ना, याद आ गया ना भाई, कुसंगम का समय है, राम राज पूरा हो गया। ये भी हमने बताया है कई बार, अभी सुनाती हूं, राम राज क्यों, दस शीस रावण का क्यों, पांच विकार है नर, काम को लोभ अहंकार, पर पांच उनके जो साथी है ना, बड़ा अच्छी तरह से साथ दे करके बैठे हैं, और ऊपर से विकार गए, काम क्रोध लोभ अहंकार गए, पर उनके जो साथी है ना छोड़ते नहीं है हमको, कौन से है, आलस, ईर्ष्या, थोड़ी किसी न किसी ईर्ष्या, सो तो माताओं बहनों में ज्यादा होती है ईर्ष्या, अंदर बेचैन बनाती है, सुखी को सहन नहीं करती, दुखी को मदद नहीं करती। जिसके पास ईर्ष्या होगी आवेश जरूर होगा, कभी ना कभी आवाज आवेश वाला हो जाएगा, संतुष्टि नहीं होगी। तो ईर्ष्या, आलस, आवेश, अलबेलापन और बहाना देना, कोई न कोई कारण बताना है, झूठी बात, नहीं नहीं मैं सच कहती हूं ना, ये मेरे आगे मुश्किल बात है ना, थोड़ा भी ये कहा सोचा माना माया रावण अभी तक पकड़ के बैठी है उसको। तो कल बाबा ने क्या किया, वो क्या बोला, फुल स्टॉप दो, शक्तियों का स्टॉक जमा करो, शक्तियों का स्टॉक इतना हमारे पास हो, यानी अनुभव की शक्ति इतने हमारे पास हो, अंदर चेक करें, काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, कोई अहंकार नहीं, अंतर्मुखी होकर के एकांत में बैठ करके बाबा के सामने बैठ के, बाबा
कोई आलस नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई अलबेलाई नहीं, कोई अविश नहीं। बाबा मैं सच्ची सच्ची बच्ची आपकी, आपने गोद बिठाया, गले का हार बनाया है, अभी मैं नूर रतन बनने चाहती हूं। बस कितना कमाल है बाबा, आपने कहां से निकाल के गोद बिठाया। बच्चे चंचल होते हैं ना, गोद से भी जंप लगा के चले जाते हैं, ऐसी बुद्धि चंचल होती है। बाबा एक गोद का बच्चा बना, कितनी खुशी हुए। बाबा कहते हैं एडप्टेड बच्चों खुशी होती है, पहले किसके थे अभी किसके हैं, पहले किसके थे। तो इसमें बाबा कहानी सुनाता, भक्ति में सुनाते थे। एक फकीरानी थी राजा के पास, हमेशा बेचारी भीख मांगने आती थी। राजा को तरस पड़ा, कहा तुम मेरे घर की रानी, महल की रानी बन जा, भीख मांगना छुरा दो। तो रानी बना दिया, पर आदत भीख मांगने की ना, सुबह जब तक भीख न मांगे तब तक खाना नहीं चखा सके। अरे राजा ने कहा ये क्या करती हो तुम, मेरे महल में बैठी हुई हो फिर भी चक्कर लगा के भीख मांगना, आदत। आखिर का जो तुम गठरी लेके आई वापस लेके जाओ, मैंने तुमको महल की रानी बनाया। अभी भी किसको माया आती है ना, तो मैं प्रैक्टिकल कहती थी कुछ यहां से रूठी, कुछ पियर घर का बुलावा हुआ। होता है ना, कोई ससुर घर जाती है नहीं बनती है, कुछ रूठती है, पियर घर का बुलावा आया, तो पुरानी दुनिया का खींच होने लगी, कोई कारण बना। फिर कहेंगे अरे कोई कोई बहनों को माताओं को कहती हूं भाई अभी तो बंधन मुक्त हो जाओ ना, मर जाओ तो क्या होगा। जब मैं ये एक अक्षर बताती हूं, जिस करी मैंने अपने आप को छुराया, बड़ा पकड़ा पीछे, मैंने कहा मैं भी आपकी नहीं, समझो मैं मर गई। कहा नहीं, मैंने कहा तुमको क्या करने का है, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेरा तेरे में कोई काम नहीं, मैं तेरे काम की नहीं हूं, जैसी हूं ऐसी भगवान की हूं, तेरे काम की नहीं हूं मैं, ऐसी गुलामी नहीं चाहिए मुझे, भूख मरेंगी पछताएंगी, काका चाचा मामा, मैंने कहा बर्तन मांज के खाएंगी पर ऐसी नहीं रहेंगी, बर्तन मांजेंगी, कुछ पढ़ी लिखी नहीं हूं, नौकरी नहीं करेंगी, पर खाना तो बना सकती हूं ना, किसके घर में खाना बना के खिलाएंगी, भूखी नहीं मरेंगी, थोड़े दिन नशा चरा मुझे, मैं तो भूख नहीं अन्य को खिला सकती हूं, क्या समझा है। बाबा के भंडारे सब खा रहे हैं, मैं भी भंडारे से, भंडारे में काम करके थोड़ा खा लिया, सदा के लिए पुण्य कर्म का खाता जमा हो गया, पापों से छूट गए, न मेरा कोई है न मैं किसकी हूं। तो जैसे दादी क्या कल सुना रहे थे ना, सबको नमस्ते का नमाना, यहां से फ्री सबके साथ मिलकर के रहेंगे, बस तेरा मेरा नहीं। निम्रता से सत्यता से कहते हैं तो एक टोटका परा था, एकता और एकांत, एकांत अंदर एक के अंत में जाना, एक के गहराई में जाना, जिसको कोई नहीं जाना उसको मैंने जाना पहचाना, जाना पहचाना। तो एक बार गीत जब बना था, हमने देखा हमने पाया शिव बोला भगवान, तो फौरन बाबा ने कहा ये गीत रंग है, नया बन के बॉम्बे से आया था, तो गीत अच्छा गा रहे थे, बाबा ने कहा कभी नहीं कहो देखा, बोलो हमने जाना पाया शिव बोला भगवान, समझा, इन आंखों से तो ही देखा, जाना पाया शिव बोला भगवान। अंदर से जो जानते हैं ना, उनसे जो पाते हैं ना, उनको और कोई नजर नहीं आता,
समझो मेरी बात को, कांध नहीं हिलात, मैं क्या करूं। जो जानते हैं उनसे पाते हैं, उनकी नजर में और कोई आता ही नहीं है। किसने कहा हम इतने अच्छे थे, क्या नजर पड़ी क्या हमारे ऊपर? और उनकी नजर तुम्हारे पर, तुम्हारी नजर उस पर नहीं गई क्या? तुम्हारी नजरों में भोला भगवान है। तो अभी टीचर्स में बताया था, एक है परछाया, क्या किसको? शीलू बहन विदाई लेने आई है। कौन? शीलू बहन जा रही है विदेश। अच्छा, एक है परछाया, दूसरी है छाया। और हमारे पर क्या है? हमारे पर क्या है? छत्र छाया। समझा? पर छाया है परमत, छाया है मनमत। तो मनमत जनमत सिफरी, छत्र छाया। ऋषि मुनि राजाओं के ऊपर छतरी रखते हैं ना, तो छतरी हो थोड़ी पकड़ते हैं, नहीं नहीं नहीं, छतरी उनके ऊपर ऑटोमेटिक। तो हमारे ऊपर, सबके ऊपर ऑटोमेटिक छतरी के नहीं, ये सारा छतरी है ना, देखो छत को देखो, छतरी के नीचे बैठे हैं ना, कितनी वंडरफुल छतरी है, जिनके ऊपर छतरी है, छत्र छाया है, उसके ऊपर कोई परछाया नहीं पड़ सकता। बुद्धि की लाइन क्लीन, बुद्धि क्लीन, लाइन क्लियर। तो हर बात जैसे बाबा चलाए, जी बाबा, बाबा कहेंगे जी बच्चे मैं हाजिर हूं तुम्हारे साथ, जहां तू हो वहां मैं हूं, जहां मैं हूं वहां मेरे बच्चे हैं। ओके, ओम शांति।